हेलो ब्रियोन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपका सपना इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आई हुई जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के 44,228 पदों पर सिलेक्शन पाकर अपने गांव या जिले के अंदर एबीपीएम बीपीएम या डाक सेवक के पदों पर सरकारी नौकरी पाने का है, तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। हालांकि पिछली वीडियोज़ में हमने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन दो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसको लेकर अभी भी आपके मन में डाउट है। पहला डॉक्यूमेंट है कंप्यूटर सर्टिफिकेट, दूसरा डॉक्यूमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये जो दो डॉक्यूमेंट है ये आप सभी के पास अवेलेबल होंगे नहीं, कम से कम मेडिकल सर्टिफिकेट तो नहीं ही होगा। कुछ लोगों के पास कंप्यूटर से जुड़ा सर्टिफिकेट हो सकता है, लेकिन उनको फिर भी डाउट है क्या हमारा ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। इसके अलावा आपको कौन कौन से ऐसे 10 डॉक्यूमेंट है जो कि रेडी करके रखना है, क्योंकि आपकी फर्स्ट मेरिट की डेट भी यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। यानी जो पहला रिजल्ट आपका आएगा इंडिया पोस्ट ऑफिस का, उसमें बहुत सारे बच्चों का, यानी टोटल यहाँ पे 44,228 बच्चों का नाम आएगा, तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना ही जाना पड़ेगा। उसमें से कुछ बच्चे फ्रॉड होंगे, कुछ बच्चों को जॉब नहीं करनी होगी, वो बच्चे बाहर हो जाएंगे अपने आप, सेकंड मेरिट भी आएगी। लेकिन जब पहली मेरिट लिस्ट आए और अगर आपका नाम आ जाता है किसी भी कारण से, तो आपको जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, देख लो, वरना आगे पछताना पड़ेगा। यानी एक बार अगर ये सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ से चली गई, आपका नाम आ गया, आपके पास डॉक्यूमेंट ना रहे, तो फिर आप बहुत ही बड़ी गलती कर चुके होंगे। इसके बाद आपको सिर्फ पछतावा होगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। एक लिमिटेड समय मिलता है 10 दिनों का डिपार्टमेंट की तरफ से, उसी के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है और उसी के अंदर आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। दोस्तों, मैं इंडिया पोस्ट ऑफिस से जुड़े आपके सभी डाउट लगातार जो है तो क्लियर करते जा रहा हूं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल होता है, इस वीडियो में कमेंट करिएगा। कल जो वीडियो बनेगी उसके अंदर उन सभी सवालों को पिक किया जाएगा और उसका जवाब भी दिया जाएगा। फिलहाल आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो भी हम बताना चाहते हैं उसको समझें। पहले जो है तो हम बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको रेडी रखना है। सेकंड नंबर आपको बताएंगे कि यहां पे जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट है वो कब, कहां से और कैसे बनवाना है, किसको बनवाना है। और सबसे आखिरी में आपको हम आपके रिजल्ट की डेट भी बताने वाले हैं, और आप यकीन करके चलें कि जो हम रिजल्ट आपको बताने वाले हैं डेट, उसी डेट में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को आप काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक कर दें। जीडीएस से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। तो 10 डॉक्यूमेंट्स बताने के लिए हम आपको कहीं अलग से नहीं बल्कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो पीडीएफ आया हुआ है नोटिफिकेशन, वहीं ले चलते हैं और वहीं से आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, हमने नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस का कंप्लीट नोटिफिकेशन है। एक यहाँ पे चीज़ और है, जिन्होंने भी फॉर्म भरते टाइम कोई भी मिस्टेक करी है और उनको सुधार करना है वो हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ दूसरे नंबर पॉइंट पे एडिट और करेक्शन विंडो जो है तो ओपन होगी 6, 8, 7, 8 और 8, 8 के लिए, यानी 6, 7 और 8 अगस्त 2024 के लिए। तो आपको एक्टिव रहना है। वीडियो में कल परसों ही डाल दूंगा कैसे आप लोग करेक्शन करेंगे, लेकिन जो करेक्शन होना स्टार्ट होगा वो 6, 7 और 8 अगस्त को होगा। तो आपको रेडी रहना है, कैसे करना वो मैं बता दूंगा। बाकी सेम डे भी एक वीडियो आपको मिल जाएगी। अब इस नोटिफिकेशन में आपको एक बार तो आ जाना है 12 नंबर पेज पर, जहां पे आपको सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहां पर मिलने वाली है। तो यहां पे अभी जो है तो 10 नंबर पेज पे आ चुके हैं और ये 11 और ये रहा 12। 12 में देखें कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी फिजिकली आपको सभी जो है तो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, साथ में 2 फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। ऐसा मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, यहां देखिए डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी फॉर सबमिशन, लेकिन यहां पे 2 सेट लिखा, आपको एक एक्स्ट्रा सेट अपने पास रखना है, यानी तीसरा सेट भी आपको अपने पास रखना है। मान लीजिए कहीं पे अच्छा सा प्रिंट ना हुआ हो, वो ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको एक प्रिंट अपने पास और एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। अब हम एक बार ये जो 9 यहां पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, एक 10वां डॉक्यूमेंट क्या वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहां पे 9 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में पहले आपको बता देता हूं। इन 9 डॉक्यूमेंट्स के अंदर पहला नंबर मार्कशीट है, यानी 10th क्लास का मार्कशीट, यानी कक्षा 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल विथ
टू सेट फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड यानी सिग्नेचर के साथ। आपको अपना 10वीं का मार्कशीट रखना है ओरिजिनल, और उसके साथ दो फोटोकॉपी भी रखनी है। इसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके पास हो उसका दो सेट फोटोकॉपी और उसका एक ओरिजिनल भी आपको रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जो OBC हैं, जो SC और ST हैं, उनका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। जैसे EWS केवल एक साल के लिए वैलिड होता है, तो आपको वैलिड EWS का कास्ट सर्टिफिकेट रखना है। यहाँ एक सवाल ये होता है कि स्टेट का रखें कि सेंट्रल का, तो अगर आप अपने ही राज्य में आवेदन कर रहे हैं तो स्टेट का, और कहीं बाहर आवेदन कर रहे हैं तो सेंट्रल लेवल का इंपॉर्टेंट हो जाता है और वैलिड होना चाहिए। ऐसे SC, ST और OBC के लिए भी कास्ट सर्टिफिकेट चेक कर लेना है कितने साल का वैलिड है। PWD अगर एलिजिबल कैंडिडेट है उनको लगाना पड़ेगा ये सर्टिफिकेट और दो फोटोकॉपी। EWS का सर्टिफिकेट जर्नल वाले जो छूट में आते हैं यानी EWS नया कोटा है उनके लिए EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ट्रांसजेंडर जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे उपयोग करेंगे। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको 10th क्लास का मार्कशीट रखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उसी से प्रूफ होता है। बाकी अगर आपको डेट ऑफ बर्थ में सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेडिकल सर्टिफिकेट, इस लाइन को ध्यान से देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाई ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेट्रा कंपल्सरी यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो किसी न किसी गवर्नमेंट जो है तो हॉस्पिटल से ही बना होना चाहिए, डिस्पेंसरी से, प्राइमरी हेल्थ केयर से, और ये कंपल्सरी है। तो जो हमने स्टार्टिंग में दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात किया था मेडिकल के बारे में, तो यहाँ पे आपको हम मेडिकल के बारे में बता देते हैं। सरकारी हॉस्पिटल से आपका ये सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, और ये कितना पुराना होना चाहिए और कहाँ से बनेगा, तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। वो बनाते हैं वहाँ पे, कुछ वहाँ पे आपको चार्जेस पे करने होंगे, और ये ज़्यादा पुराना ना हो कोशिश करें, एक महीने दो महीने तक का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने के अंदर अंदर का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पहली ही लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो आप इसको बनवा लीजिएगा, आगे हम आपको डेट बताएंगे रिजल्ट की। उसके बाद देखें यहाँ पे, सर्टिफिकेट इशू बाय दी कंपोनेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्राइबल लोकल डिलेक्ट्स इन केस ऑफ एंगेजमेंट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश के कैंडिडेट हैं उनके लिए इस बार एक अलग सा रूल है। अगर वो लोकल हैं, उनको वहाँ पे लोकल लोगों को यानी पर्वती पहाड़ी क्षेत्र वालों के लिए लोकल में ही प्रायोरिटी मिलेगी, तो उनको वहाँ पे जो है तो लोकल का सर्टिफिकेट देना होगा। उसी के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। तो 9 डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट आ चुका है। अब एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे रह गया है, वो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। कंप्यूटर सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा कंपलसरी, इसके बारे में आपको बता देते हैं। पता नहीं क्यों बार बार नोटिफिकेशन के अंदर जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन जब आप लोग वहाँ पे जाते हैं तो आपसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जबकि इनको यहाँ पे लिख देना था कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट और कंपलसरी है। तो आपको बता दें, कंप्यूटर सर्टिफिकेट ये कई रास्तों से यानी कई वे में एक्सेप्ट करते हैं। पहला तो ये कि आपने कक्षा 10, 11, 12 या कहीं भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम में कॉलेज के अंदर एक सब्जेक्ट कंप्यूटर की पढ़ाई की हो, यानी एज अ सब्जेक्ट आपने कंप्यूटर पढ़ा हो, कंप्यूटर कहीं भी आपके कोर्स में सिलेबस में रहा हो, तो आप 10th की, 11th की, 12th की या जहाँ भी कंप्यूटर रहा हो उसकी मार्कशीट आप दे सकते हैं। उससे आपका कंप्यूटर वाला फंडा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर कई सारे कोर्स होते हैं, जैसे DCA हो गया, PGDCA हो गया, और इसके अलावा BCA होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, CS होता है यानी कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा होता है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री होती है। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेस हैं जहां पे कंप्यूटर आपको सिखाया जाता है। तो अगर आपने ये सब कर रखा है तो आप इनकी जो है तो मार्कशीट वहां पे दे सकते हैं, उससे आपका कंप्यूटर का फंडा क्लियर हो जाएगा। एक तीसरा रास्ता भी है कि आप जहां से PGDCA होता है, DCA होता है, BCA होता है, वहां चले जाएं और उनको कह दें कि हमको 60 दिनों का या कम से कम जो है तो 2 से 3 महीने के बीच का एक सर्टिफिकेट हमको दे दे, वो कुछ चार्जेस आपसे लेंगे। कुछ अगर सिखा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप कोशिश करें कि बाहर से बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज ले लें। बहुत सारा नॉलेज फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप वहां से भी ले सकते हैं, और ना मिले तो कम से कम आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम 60 दिनों का, तो आप वहां से बनवा लेंगे। कंप्यूटर सर्टिफिकेट हमेशा का वैलिड होता है, आप आज चाहें तो आज जाके बनवा लें, और ये जितना पहले से बनवा के रखेंगे बाद के समय में डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए उतना आप फ्री रहेंगे। यानी बाद के लिए केवल आप मेडिकल सर्टिफिकेट रखें, अभी जो है तो आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट क्लियर करवा लें अगर आपको लगता है कि आपका नाम मेरिट में आने वाला है। अब आगे हम रिजल्ट डेट के बारे में बात करेंगे।
तो रिजल्ट डेट के बारे में हवा हवाई बात नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 15 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त 2024 तक आपके आवेदन चलेंगे। 5 अगस्त को आवेदन क्लोज हो जाने के बाद अगर डेट नहीं बढ़ती है तो आपके 6 अगस्त 7 अगस्त और 8 अगस्त को डॉक्यूमेंट जो है तो फॉर्म एडिट और करेक्शन की विंडो ओपन होने वाली है, यानी कि फॉर्म मॉडिफिकेशन होंगे। 8 अगस्त के बाद आप लोग 25 दिन लेकर चलें, 25 दिन बाद आपकी पहली लिस्ट आ जाएगी 20 से 25 दिन बाद, तो आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर यानी सितंबर के पहले हफ्ते में आपकी पहली लिस्ट आ जाएगी। 100% गारंटीड है अगर फॉर्म भरने की डेट या फिर फॉर्म एडिट और करेक्शन की डेट ना आगे बढ़ाई गई तो आपका पहला सितंबर में यानी पहले हफ्ते सितंबर में आपका किसी भी डेट को 1 से 7 सितंबर बीच में रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आप सभी डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, हमने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बार बार बता दिया क्योंकि 50-50 चांसेस होते हैं, 50% आपका डॉक्यूमेंट 50% आपकी मेरिट, आपकी किस्मत, आपके 10th के नंबर डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। अगर नाम आ जाने के बाद डॉक्यूमेंट ना रहा तो भी बाहर हो जाएंगे, और नाम नहीं आता तो आप ऑलरेडी बाहर हैं। तो नाम आ जाने के बाद बाहर ना होना पड़े इसीलिए इस वीडियो को बनाया गया है। अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।